वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड। छत्तीसगढ़ बोर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, असाइनमेंट दिए गए थे आपको सितंबर सितंबर के महीने में, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, यानी कुल मिला के चार असाइनमेंट। हर असाइनमेंट में पांच प्रश्न थे, तो कुल मिलाकर हुए 20 प्रश्न। और निश्चित रूप से जो असाइनमेंट में दिया गया है वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपके जो असाइनमेंट्स हैं मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों यहाँ पे। सो उम्मीद है आपने ये असाइनमेंट पूरे करके सबमिट किए होंगे, क्योंकि आपके कुछ नंबर इन पर भी बेस्ड थे, यानी इस असाइनमेंट के बेसिस पर आपको कुछ मार्क्स मिलने थे। तो पहला प्रश्न, उस भौतिक राशि का नाम लिखे जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, बताइए यह सदिश है या अदिश। बाकी बोर्ड के बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही जो रिपीट होते रहते हैं, वही सवाल हैं। तो एक भौतिक राशि का पहले फर्स्ट पार्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है न्यूटन पर कूलम में जिसको नापते हैं हम, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ये मैं आपको बताऊं, एफ अपॉन न्यूटन पर कूलम, तो ये बनता है एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, और इसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो विद्युत क्षेत्र वह भौतिक राशि, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वह भौतिक राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, ये सदिश है। ठीक है, सेकंड पार्ट, एक भौतिक राशि का मात्रक फैराडे है, इसकी परिभाषा और विमीय सूत्र लिखिए। डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट फैराड। तो फैराड हम जानते हैं बच्चों, पहले तो मैं यहां पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये फैरेड जो है साइंटिस्ट का नाम बन जाता है अगर हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, दिखाते हैं इसको, तो किससे दिखाना चाहिए था, इसको दिखाना चाहिए था स्मॉल एफ से। अगर हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे देन इट बिकम्स नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो स्मॉल एफ से स्टार्ट करके उसको दिखाना चाहिए था। ओके, तो हम जानते हैं वेल नोन है कैपेसिटी या धारिता, उसकी यूनिट है। तो आंसर में आपको क्या लिखना था, कैपेसिटी, या हिंदी में लिखेंगे तो धारिता। तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, यानी कूलम पर वोल्ट एक फैरेड के बराबर होता है। और यहां जो पूछा गया है, यहां पूछा गया है डेफिनेशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट फैरेड, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट फैरेड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक भौतिक राशि का मात्रक फैरेड है, इसकी परिभाषा, यानी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पूछी, यानी कैपेसिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी है, धारिता की परिभाषा आपसे पूछी है और उसकी डायमेंशंस पूछी है। तो डायमेंशंस कैसे निकालेंगे पहले देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन बना लेते हैं। अगर यहां पर 1 फैरेड की डेफिनेशन पूछी होती तो हम बोलते जब 1 कूलम चार्ज फ्लो कराते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाता है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है 1 फैरेड, ऐसे हम बोलते हैं। कैपेसिटी की डेफिनेशन में पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं, क्योंकि डेफिनेशन पहले पूछी है। तो कैपेसिटी, धारिता क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के रेफरेंस में और किसी कैपेसिटर के रेफरेंस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आवेश को धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है, या आपकी किताब में और कोई डेफिनेशन जो भी अलग लैंग्वेज में भी लिखी जा सकती है। अब मैं इसकी डायमेंशन यानी विमा निकालना चाहता हूं, विमीय सूत्र। बच्चों विमीय सूत्र सामान्यतः जनरली सीबीएसई वाले नहीं पूछते, पर स्टेट बोर्ड वाले विमीय सूत्र पूछते हैं, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे एमपी, चाहे छत्तीसगढ़। क्यों होता है आईटी, तो इसकी जो विमाएं हैं या डायमेंशन हो गए ए इंटू टी, और जो वी है ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कार्य प्रति एकांक आवेश। तो डब्ल्यू बाय क्यू के हिसाब से नीचे आएगी डब्ल्यू की डायमेंशन, डब्ल्यू की डायमेंशन होती है जो ऊर्जा की होती है यानी एनर्जी की, एम एल टू टी माइनस टू, और डिवीजन में जो क्यू है वो ऊपर जाएगा तो ये ए टू टी टू हो जाएगा। तो अब हमें मिल रहा है एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी माइनस टू ऊपर जाकर बनेगा प्लस टू, तो टी हो जाएगा 4 और ए 2। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट थे वो हमने किए. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. एक समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वायु होने पर, यानी अभी हवा है, तो 10 माइक्रोफेरेट कैपेसिटी होती है. अगर इनके बीच की दूरी आधी कर दें और उनके बीच k इक्वल टू 5 का परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, ज्ञात कीजिए. सो ये हमें पता करना है. तो सिंपल है, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, साइमल्टेनियसली मैं आपको वैसा ही लिखकर बताने की कोशिश करता हूं. बच्चों थोड़ा सा समय मुझे चाहिए इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए कि मैं इसको फिट कर सकूं क्वेश्चन के साथ आंसर को. ओके, नाउ क्वेश्चन इज विजिबल टू अस और आंसर मैं यहां आसानी से लिख सकता हूं. ये अच्छा अरेंजमेंट हो गया. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो मैंने लिखा आंसर नंबर टू. अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, सो आंसर नंबर टू, ये लिखने का तरीका रहेगा बच्चों कॉपी में आपका. सो गिवन, क्या हमें दिया गया है, ये न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व कर रहे हैं. गिवन सी इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, इट इज गिवन टू अस, ये आपको दिया गया है. और हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जो हम यहां पे लगाएंगे, वी नो दैट हम जानते हैं वो सूत्र जो यहां काम करेगा कि कैपेसिटी सी जो होती है वो होता है एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, कब, हवा में, तो मैंने यहां पे लिख दिया एयर. एंड जब मीडियम चेंज कर देते हैं, कोई माध्यम बीच में आ गया है, डिस्टेंस को आधा कर दिया, मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज रिप्लेस बाय मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी पूरे में भर दिया, कहीं पर ये इंडिकेशन नहीं है कि आधे में भरा है या कितना, नहीं तो डायलेक्ट्रिक मीडियम की विड्थ ये देते, तो पूरे में भर दिया है. तो सी मीडियम इज एप्सिलॉन जीरो के ए अपॉन डी. सो ये हमें दिया हुआ है सी एयर 10 माइक्रोफेरेड है, दिस इज सी एयर. एंड सी मीडियम और चेंज लगाने के बाद जो कैपेसिटी हो गई है, डिस्टेंस को चेंज कर दिया गया है, डी डैश दूरी आधी कर दी गई है और के इंट्रोड्यूस किया गया है. तो यहां पर जब मैं लिखूंगा तो एप्सिलॉन जीरो ए, ये पुराना मान है ऐसा का ऐसा, डी की जगह डी बाय टू वो मैं लिखूंगा और के की जगह मैं लिखूंगा 5. तो अब हम देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा और 10 आ जाएगा, 10 टाइम्स एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, यानी 10 टाइम्स सी एयर. वही पूछा है हाउ मच इंक्रीज, इट विल बिकम 10 टाइम्स, तो यहां हम जवाब में लिखेंगे आंसर में 10. कैपेसिटी बिकम्स 10 टाइम्स, 10 गुना हो जाएगी, तो ये इसका जवाब हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3. ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज कैप नियर ए चार्ज प्लेट. तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रखा गया है चार्ज प्लेट के पास. ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू द प्लेट. सीबीएसई में आया हुआ पुराना सवाल है, काफी पूछा जाता रहता है. तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 3 और ये डायग्राम बना देंगे सीधे. फर्स्ट पार्ट लगाएंगे यहां पे और ये है प्लस क्यू, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको रखा है नियरली कैप नियर ए चार्ज प्लेट फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू द प्लेट. मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया है बिकॉज जो प्लेट है चार्ज है, तो उसका चार्ज इनको बताना पड़ता कि चार्ज कितना है, जो इन्होंने नहीं बताया है.
और ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो मुझे पता है, वो ओरिजिनल क्वेश्चन था कंडक्टिंग प्लेट, नियर ए कंडक्टिंग प्लेट, सो दिस वर्ड शुड बी कंडक्टिंग। अगर ये कंडक्टिंग है तो यहां पर क्या होने वाला है, चार्जेस इंड्यूस होने वाले हैं, यहां नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। सिमेट्री के लिए मैं 5 नेगेटिव दिखा देता हूं बच्चों, और 1 2 3 4 5 जहां से नेगेटिव आया है चल के वहां बचेगा पॉजिटिव। मेरे लेक्चर्स में इंक्लूडेड है बच्चों ये क्वेश्चन। तो फील्ड लाइंस जो जाएंगी वो कैसे दिखेंगी, यहां पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी, सो इस तरह का पैटर्न बनेगा शावर की फॉर्म में, जैसे तो फोमोरा चल रहा हो प्लस क्यू से, ये अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स नेगेटिव, निकलते वक्त नॉर्मली निकलेगी, टर्मिनेट होते वक्त भी नॉर्मली टर्मिनेट होगी, एक दो लाइन हम इधर जाते हुए दिखा सकते हैं। और इधर पॉजिटिव से जो लाइंस निकलेंगी, अगर हम फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड उसका प्रभाव ना दिखाएं यहां पर, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हैं लाइंस को, और जब तक ना कहा जाए आपको फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड नहीं दिखाना है, जो कि लाइंस फैल जाती हैं वो आपको नहीं दिखाना है। तो दिस इज द पैटर्न, ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेट। ओके, अब हमको व्यंजक व्युत्पन्न करना है किसके लिए, सरफेस ऑफ द प्लेट पर। ड्रॉ एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेट। इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अगर हम बात करें एग्जैक्टली सरफेस की, बिल्कुल सरफेस पर, तो गॉसियन सतह हमें लेनी होगी एक, और गॉसियन सतह जब हम लेंगे तो हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा ना, अन्यथा निकाल नहीं सकते हम। कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर में जीरो होता है, तो सरफेस से जस्ट बाहर हम पॉइंट लेते हैं और फिर गॉसियन सरफेस लेकर कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि ये प्लेट है, मेटल की प्लेट जिसमें दोनों साइड चार्ज है ना, इंडक्शन की वजह से दोनों साइड चार्ज आ गया है, और अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लूंगा, तो सेकेंड पार्ट में मुझे प्रूव करके दिखाना है, जो मैं यहां प्रूव नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट लिख रहा हूं सीधे। तो किसी पॉइंट पर जो जस्ट आउटसाइड द सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो होगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 पीछे वाले की वजह से। यानी यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश +1 रखता हूं, तो ये रिपेल होगा प्लस से और अट्रैक्ट होगा माइनस से। नेगेटिव जो है चार्ज डेंसिटी वो अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रिपेल करेगी। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेट, तो उसकी वजह से नेट 0 होने वाला है, इट बिकम 0। सो ऐसा कुछ हम दिखा सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी डिस्कशन करना हो, कुछ गलत सही, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं, 9414489614 बात कर सकते हैं, मीन्स मैसेज कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस। प्रश्न चौथा, वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश QP +2 माइक्रोकुलम, QQ -2 माइक्रोकुलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी बड़े ओके मात्र, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल है छोटा सा, और हम फॉर्मूला जानते हैं, मैं समझता हूं सभी बच्चों ने अच्छे से किया होगा, तो मैं इसको हिंदी में करता हूं। उत्तर 4, आपने अच्छी अच्छी राइटिंग में कर भेजा होगा होमवर्क आपका असाइनमेंट। तो उत्तर 4, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, दिया है गिवन, क्या दिया है, चित्र बना देंगे। ये बिंदु आवेश QP और ये दूसरा बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज QQ, ये 2 माइक्रोकुलम, ये -2 माइक्रोकुलम, 10 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस,
वो मैं मार्क करूंगा इस तरह से, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। नाउ आपसे पूछा जा रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, दिस सेंटर पॉइंट सी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो यहां हम टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश यहां रखा है ऐसा मानेंगे। तो धन आवेश पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हियर, यहां ई एट सी इक्वल टू ई एट सी ड्यू टू चार्ज एट पी प्लस ई एट सी ड्यू टू चार्ज एट क्यू वेक्टर फॉर्म में। तो व्हाट वी गेट, हमें मिलता है के इंटू टू इंटू टेंस पावर माइनस सिक्स अपॉन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू टेंस पावर माइनस 2 मीटर में मैंने बदला का स्क्वायर, और क्योंकि दूसरा वाला भी सिमेट्री से उतना ही होगा अट्रैक्शन का, तो मैं इसको कर दूंगा इंटू 2। और डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा कर सकते हैं हम डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। एक तरीका तो है कि मैं यूनिट वेक्टर यहां पे आर कैप पी क्यू दिखाऊं पी से क्यू की तरफ, या फिर मैं सिंपली आई कैप यहां पे दिखा दूं जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी धनात्मक एक्स अक्ष को निरूपित करता है, दर्शाता है। गणना करेंगे बच्चों, 9 इंटू 10 टू पावर 9 ये के की वैल्यू हो गई, इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ऐसा का ऐसा, इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर किया तो आया नीचे 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 आई कैप। और जब हम कैलकुलेट करके इसको निकालते हैं हमें क्या मिलेगा, कटने वाला तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, 2 2 4 9 4 36 36 अपॉन 25 36 अपॉन 25 इंटू 10 पावर 3 ऊपर बच गया है और माइनस 4 ऊपर से जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 पावर 7 हो जाएगा, 7 यूनिट आइदर वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम हम लिख सकते हैं, आई कैप उसकी डायरेक्शन है, तो ऐसा कुछ। और उसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे आगे, तो 25 से भाग एक बार जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं पॉइंट में आंसर हम लिख सकते हैं। तो 25 के बाद 5 इधर और 6 11 बचते हैं यानी 110, तो फिर 4 बार जाएगा तो 14 1.4 ऐसे करके, तो वो आंसर आपको यहाँ पे निकालना, मैं छोड़ रहा हूं। एक परीक्षण आवेश QR -1.22 × −9 कूलम को PQ के मध्य में रख दिया जाता है, सेंटर पे आप रख दिया −1.22 × −9 कूलम नैनो कूलम, इस पे लगने वाले बल का मान व दिशा लिखिए। तो कितना बल लगेगा B पार्ट के लिए, ये तो हुआ A पार्ट बच्चों, B पार्ट के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो ये लगेगा F इक्वल टू क्यू आर इंटू ई ई एट सी, तो उसी दिशा में लगेगा। तो ये सब आपको हिंदी में लिखना है बच्चों, ये जो स्टेट बोर्ड होता है इसमें विस्तार से लिखना होता है, समझाकर सारा कुछ लैंग्वेज आप बना बनाकर लिखिए, क्योंकि नेगेटिव है तो ये माइनस को यहां रखूंगा तो इस क्यू से तो रिपेल होगा, इसे विकर्षित होगा और पी से अट्रैक्ट होगा आकर्षित होगा, तो इसकी दिशा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी यानी माइनस आई। तो मैं अगर आई कैप लगाता हूं तो यह माइनस साइन मुझे लगाना होगा, और ऐसा भी मान सकते हैं आपकी 1.2 का माइनस मैंने यहां पे लगा दिया, एक ही बार लगाना है ना, दो बार नहीं, फिजिकली देखें साइन को, इंटू 36 अपॉन 25 इंटू 10 पावर 7 आई कैप, और ये जवाब आएगा न्यूटन में क्योंकि कूलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अभी इसे कैलकुलेट करना होगा। सो 1.2 है, कुछ कट रहा है तो कट लीजिए,
मतलब ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा आपके लिए, छोड़ रहा हूं, साथ में 10^-2 आई कैन माइनस का सिंबल। अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता, मैं ऐसे करता 1.2 इंटू 36/25। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल मैं कम से कम करना चाहता हूँ। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, अब हम काट देते हैं इसको, 2 6 12, ये आ गया 125। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 36, 3 6 18, 21, 216/125। और अब भाग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन टू डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, पर डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर लेता है डाइपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण। आल्सो देयर इज एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी आपको क्या करना है, एक डाइपोल का चित्र बनाना है उत्तर 5 के लिए। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, और एक्सटेंडेड एक्सिस पर इधर भी जा सकते हैं आप, दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, राइट में या लेफ्ट में, जहां जिधर आपकी इच्छा हो। कोई पॉइंट पी लेकर जिसकी दूरी डाइपोल के सेंटर से आर है, वहां पर पोटेंशियल विद्युत विभव का मान निकाल देना है आपको। ओके, तो ये हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया सितंबर का। अब चलते हैं हम, कितना बड़ा वीडियो हो गया, 22 मिनट का। ओके, सितंबर का होमवर्क एक वीडियो में, अगले वीडियो में अक्टूबर का, फिर नवंबर का, दिसंबर का, वो भी तब जब आप रेस्पॉन्स देंगे, आपको चाहिए तो मैं कर दूंगा, नहीं तो ठीक है, ये एक सैंपल हो गया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।